प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पशु प्रेम एक बार फिर सामने आया है। नई दिल्ली स्थित सात लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास में एक नई बछिया दीप ज्योति का आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री ने खुद इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने बताया कि यह बछिया का नाम दीप ज्योति रखा गया है क्योंकि इसके माथे पर ज्योति का चिन्ह है। प्रधानमंत्री ने इस प्यारी बछिया के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए जिसमें वह बच्चे के साथ प्यार भरा समय बिताते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई बच्चिया का नाम दीप ज्योति रखा है जो उसके माथे पर मौजूद ज्योति के चिन्ह से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावा सर्व सुख प्रदा यानी गाय सभी सुखों की दादा होती है। इस बच्चे के जन्म को उन्होंने अपने परिवार में से एक नए सदस्य के आगमन के रूप में देखा और उसका नामकरण बेहद भावनात्मक तरीके से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो पर उनके गहरे पशु प्रेम को देखा जा सकता है। वह बछिया को अपने घर के मंदिर में ले जाते हुए उसके साथ बैठते हुए और उसे बगीचे में घुमाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने अनुयायियों को भी इस विशेष क्षण का हिस्सा बनने का मौका दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साझा किया गया यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जनता ने प्रधानमंत्री के पशु प्रेम की तारीफ करते हुए इस वीडियो में काफी पसंद किया। यह वीडियो प्रधानमंत्री के मानवीय पहलुओं को उजागर करता है जिसमें उनके व्यक्तिगत जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में यह संदेश भी दिया है कि भारतीय संस्कृति में गाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने अनुयायियों को गौ माता के महत्व को समझाने का प्रयास किया। यह घटना उनके पशु प्रेम और भारतीय परंपराओं के प्रति उनके जुड़ाव को भी दर्शाती है।